ठीक नजर आ रहे हैं? नजर तो नहीं आ रहे मगर महसूस हो रहे हैं। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मैं हर इतवार को आया करूंगी, तो मैं तो अपने वादे की पक्की हूँ। अब आप हर इतवार को ये शो देखते हैं या नहीं देखते, इसका मुझे पता करना पड़ेगा कि आप अपने वादे के कितने पक्के हैं। आज सुबह मैं सैर के लिए गई थी, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग वॉक पे जा रहे हैं और अब तक लोगों में वॉक की अवेयरनेस है। यानी सुबह उठने का तो खैर कोई खास रिवाज ही नहीं रहा आजकल, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा वॉक करने लोग जा रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ यंग जॉगिंग कर रहे थे। उससे लगा कि सेहत के बारे में उनकी अवेयरनेस ठीक ठाक है। सैर कई किस्म की कर सकते हैं वैसे आप। कुछ लोग बाहर के मुल्कों की सैर को जाते हैं, मगर सैर पे जाते हुए आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं जब आप बहुत सामान उठा लेते हैं, तो ट्रैवल लाइट करने का एक जो है ना रिवाज वो होना चाहिए। उससे आपको बहुत सी आसानियाँ होती हैं और सैर जो है वो एक प्लेजर बन जाती है, मुसीबत नहीं। खैर हम तो बातें करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे से नौजवान से करवा रही हूँ जो बहुत ही प्यारे से एक्टर हैं। और आपने उनको स्क्रीन पे जब भी देखा माशाल्लाह जगमगाते हुए देखा, बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे तो खैर बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आपको भी लगते हैं। मैं उनसे मिलवाती हूँ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड डायरेक्टर शहूद अलवी। शहूद जिनके भांजे हैं उनके नहीं लगते, मेरे लगते हैं। लोग सवाल यही करते हैं कि यार उनके तो नहीं लगते है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मैं फिर समझती हूँ कि मेरी शक्ल अच्छी है अगर शहूद से मिलती है तो। आ जा। हाँ जी प्लीज जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र, वैसे की वैसे। अच्छा शहूद, वही तो मैं अभी सोच रही थी कि शहूद से कैसे बातें करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। जहाँ से भी शुरू करूंगी ये तो मेरा ही नाम लेते रहेंगे। भाई आपका नाम मैं लेता रहूंगा, और इनको थोड़ी देर पहले मुझसे शिकायत थी कि मेरा नाम लेते रहेंगे, तो मुझे इस बच्चे से इंटरव्यू लेके बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं सारे प्ले के नाम बदल दूंगा जो मैंने इनके किए। कौन सा था वो, कौन सी धूप थी? वो पीली धूप। और कौन सा लाडला था? कोई टेढ़ा मेढ़ा लाडला नहीं। वैसे आपने, आपको चाहिए कभी किसी दफा मुझसे तो पूछे कि आखिर मैंने अनोखा लाडला आपके लिए क्यों सोचा। अच्छा भला हैंडसम नौजवान, तो मज़े की बात तो यही है कि ऐसे ही किसी देखने में जो बहुत हैंडसम हो, देखने में प्रॉपर मर्द हो, उससे कोई ऐसा रोल करवा लें, पर ना कि एक बना बनाया रेडीमेड। एग्जैक्टली, बल्कि जब डिस्कस हुआ था तब भी यही बात हुई थी, क्योंकि वो जो इस तरह के करेक्टर्स हैं हमारे माशरे में, अगर वही करेंगे तो उसके अंदर कोई जिद्दत नहीं होगी ना, करने के लिए क्या होगा। तो लोगों के लिए सरप्राइज ये हो कि एक आदमी जो ना लगता हो, जो ये ना मतलब ना लगे और फिर वो कर जाए, तो मुझे बाद तक लोग मिलते हैं और ये कहते रहे। जब मैं इस्लामाबाद में गया उस प्ले के कुछ साल एक बाद, तो लोग मिले और देख के कहने लगे कि यार आप तो अच्छे भले, बुरे भले क्यों बने। भाई आप मुझे क्या समझने लगे थे कि मैं क्या हूं? तो आपका प्ले जो था ना, उसने एक हद तक तो मेरी टांगे काट दी। कमाल ये है कि जो कॉमेडी प्ले था उसमें भी पहली बार आप रजिस्टर हुए, मेरा लिखा हुआ था, क्या कर सकते हैं। और जो सीरियस प्ले था उसमें तो इसमें आपने को खराबी थी या मुझ में थी, क्या थी? नहीं, ये खराबी तो मुझे में थी कोई, आपकी अच्छाई थी कम से कम, क्योंकि आपने जिस तरह उन प्लेस को लिखा तो वो मुझे एहसास करते हुए हुआ कि वो प्लेस करना आसान नहीं था, वो रोल करना भी आसान नहीं था, वो करना बहुत मुश्किल था। मैं इस चक्कर में कर गया कि मेरी तो अपनी रिश्तेदारी है तो कोई मसला ही नहीं है, मैं कर जाऊंगा। तो मैं करता रहा और वो मैं बताऊं मैं वैसा कर भी नहीं सका, लेकिन वो फिर भी कुछ ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो तो खैर माशाल्लाह। आपको मज़े की बात बताऊं, बल्कि मैंने आपको बताई भी थी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मरहूम अशफाक अहमद साहब, बहुत हमारी उनसे क्लोज मतलब फैमिली टर्म्स है, उनको मैंने उस दिन इत्तेफाक से मुझे मिले, मैंने कहा आज शाम को मेरा प्ले आ रहा, मेरा लिखा हुआ, और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरा ड्रामा देखें। उन्होंने देख के मुझे फिर फ़ोन किया लाहौर से, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था। वो मुंडा कौन सी भाई, वो तो बहुत अच्छा है। बहुत बाकायदा उन्होंने मुझे कहा कि भाई उस बच्चे ने कमाल कर देती है, ओदी तारीफ। मैंने कहा भाई ये शहूद ने तो कमाल लिया है ना। बस यही वो मैं समझता हूँ मेडल्स हैं, है ना, जो हमारे ये सीनियर्स और अल्लाह जन्नत नसीब करे अशफाक साहब के, उनके मुंह से निकली हुई बात मेरे लिए वाकई एक बहुत बड़ा मेडल है। दूसरे आप ये बात भी मानते हैं, जाहिर है आप तो मानते हैं कि इकबाल अंसारी जो है वो ढूंढ तो लेते हैं एक बंदे में कुछ हो तो, और ये दोनों जगह पर बहरहाल लिखा तो मैंने था, लेकिन इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया था कि इससे कराएंगे, और हम दोनों ने अग्री किया था। एग्जैक्टली, तो काम अच्छा हो गया। लेकिन माशाल्लाह उसके बाद आपने बेशुमार खेल किया, और फिर हम देखते चले गए और हमें मज़ा आता चला गया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो नकूश नहीं लाइफ से गए, अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो उन्हीं दो तीन प्लेस की बात करते हैं,
क्योंकि वो होता है आपकी कैरियर में, आपकी लाइफ में कोई कुछ होता है जो अच्छा काम आपसे ऐसा होता है कि इत्तेफाक से फिर शहूद मेरा ख्याल ये भी हो रहा है कि उसके बाद से जो दौर शुरू हुआ है वो इतना ज़्यादा कमर्शियल हुआ है कि बहुत अच्छा अच्छा प्ले निकल गया है और लोगों की समझ में नहीं आया, मतलब लोग पकड़ नहीं सके उसको। थोक के भाव इतने सारे प्लेस बने कि उसमें अच्छा प्ले भी चला गया। हाँ, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत सारा काम जब बहुत सारे चैनल्स पर हो रहा होता है तो यू रियली कांट फॉलो एवरीथिंग और उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। ये नहीं होता कि कभी अब अच्छा काम ही नहीं हो रहा, हो रहा है। खैर खैर, तो और क्या हो रहा है आजकल? एक्टिंग तो हो ही रही है, डायरेक्शन का क्या भाव काम हो रहा है? डायरेक्शन का क्या हाल है? डायरेक्शन जो है अब जरा सोच समझ के कर रहा हूँ। अब पहले जरा चूंकि कैरियर स्टार्ट करना था एज अ डायरेक्टर और ये देखना था कि खुद कितने पानी में हूँ, तो वो देखने की कोशिश की और फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, डायरेक्टर बनने के लिए तो बहुत सारे पानी में उतरना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है। हाँ, डायरेक्टर नहीं बन सकते, मुश्किल काम है। तय के अंदर एक वो जो गड्ढा होता है उसके अंदर से कोई मोती ढूंढना पड़ता है। तो वो बस इसलिए डायरेक्शन थोड़ी सी स्लो इसलिए कर दी कि कोई बहुत अच्छा काम समझ आएगा तो करूंगा, मतलब मैं रेगुलरली काम नहीं करना चाह रहा है। कहीं एक होता है ना, जख्मी होना जरूरी है। एग्जैक्टली, जब तक आपको वो चोट नहीं लगेगी ना तो तब तक दैट फायर शुड बी देयर। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मोहब्बतें जिंदगी में करता रहूँ, कहीं ना कहीं तो चोट लगेगी। यहाँ लगे ना लगे, यहाँ लगे घुटने लगे, नहीं दर्द है दिल तो घुटनों में भी हो जाता है कभी कभी। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, कोई चोटें लगे। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जैसे कि आप और मैं हैं, जो के शो बिजनेस में, लाइम लाइट में या जो भी समझ लें शोहरत में समेत बाल बच्चों के एंटर हुए ना। ओ यस, हाँ, शादी पहले हो गई। हाय हाय, ये क्या हुआ? लेकिन उससे क्या होता है कि फिर आप बाद में ये ऐसे झक ही मारते फिरते, होता कुछ नहीं।